हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर अग्रवाल फोटोग्राफी में। दोस्तों, आज हम एक गिम्बल को बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखेंगे। यहाँ पर मेरे पास मोजा का एयरक्रॉस 2 गिम्बल है, मैं उसको आपको बैलेंस करके दिखलाता हूँ कि ये बैलेंस कैसे किया जाता है, एक गिम्बल को हम कैसे आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मोजा एयरक्रॉस 2 का गिम्बल है, इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने बनाया है तो वो आप देख सकते हैं। और ये गिम्बल है और ये गिम्बल का स्टैंड है, तो इसको मैं अभी स्टैंड को इसमें लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्टैंड को लगा देता हूँ इसको। तो दोस्तों, ये मैंने स्टैंड लगा दिया यहाँ पर। अभी स्टैंड को मैं यहाँ पर फिलहाल रख देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर ये एक प्लेट है, ये प्लेट हमारे गिम्बल के अंदर गिम्बल पे लगेगी और ये लगेगी यहाँ पर। और एक बेस प्लेट ये है दोस्तों, ये बेस प्लेट है, ये कैमरे के नीचे लगती है। तो फिलहाल मैं इसको सबसे पहले कैमरे के नीचे इसको लगा लेता हूँ, इसको इंस्टॉल यहाँ पर। यहाँ पर मैंने ये बेस प्लेट लगा दी है गिम्बल का। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये एक ये लॉक है, एक लॉक ये है और एक लॉक यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इस गिम्बल में 3 लॉक दिए हुए हैं। इस लॉक को मैं पहले लॉक को खोल देता हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरे लॉक को, ये वाला लॉक है, ये इसको भी मैंने खोल दिया है। और यहाँ पर एक लॉक ये है, ये भी मैंने इसको खोल देता हूँ। मैंने ये तीनों लॉक खोल दिए हैं। तीनों लॉक खोलने के बाद में दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या ध्यान करना है कि यहाँ पर ये एक बटन दिया हुआ है और ये फ्रंट दिया हुआ है, ये बैक पैनल होता है, ये पैनल है यहाँ पर, ये हमेशा हमारी फेस की तरफ होगा, तो यानी कि हम इसको अपनी तरफ रखेंगे। और ये वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ आएगा, यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर मैं इसको फिलहाल लॉक कर देता हूँ। और ये दोस्तों, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक लॉक दिया हुआ है, इस लॉक को मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ जिससे कि अभी नहीं जा रहा है। अगर इसको लॉक नहीं करूँगा, जैसे मैं अभी आपको दिखलाता हूँ, अगर मैं इसको लॉक नहीं करता हूँ तो ये इस तरीके से नीचे चला जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अभी मैंने बैलेंस करने के लिए इसको लॉक कर दिया है। ये लॉक दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर इसको मैं ये लॉक लगा देता हूँ। अब ये दोस्तों, ये लॉक लग गया है। ये लॉक लगाने के बाद में ये एल ब्रैकेट है, एल ब्रैकेट पे ये वाला जो प्लेट है वो लगती है। इसको यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ ये प्लेट को। दोस्तों ध्यान रखना कि ये वाला जो हिस्सा है प्लेट का, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो एल ब्रैकेट है इस पे आएगा। इसको मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर दिया है। और ये एल ब्रैकेट दोस्तों यहाँ पर आएगा। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने जो है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ये जो है, ये बटन जो है, ये बटन पीछे की तरफ खींचना होता है जब हम इसको निकालेंगे या इसको जब हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, तो ये हल्का सा खींच के आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको आपको डाल के दिखलाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये, इसको पहले मैं लॉक कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ मैंने लॉक कर दिया है। अब लॉक करने के बाद में मैं ये इसको यहाँ पर, ये देखो अब ये अटक गया है दोस्तों, अब ये नीचे नहीं जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो रेड है, रेड बटन को पीछे नीचे खींच लेते हैं और ये अब आसानी से हमारा नीचे आ गया है। तो दोस्तों, अब ये निकलेगा भी नहीं जब तक हम इस रेड बटन को खींचेंगे नहीं। तो ये मैंने खींचा तो ये निकल गया है और मैं इसको खींच कर रखा है। अब मैंने देखो खींचा नहीं है तो अब ये नीचे जा नहीं रहा, तो मैंने इसको नीचे जाने के लिए इसको खींचा है। और यहाँ पर इस तरीके से हम,
तो दोस्तों ये आ गया है गिम्बल हमारा यहाँ पर। अब इसको क्या करना होता है, यहाँ पर हम इसको ये वाला जो है इसके लिए इसको कहते हैं टिल्ट ब्रैकेट। ये यहाँ से टिल्ट होता है, ये होता है रोल ब्रैकेट रोल के लिए, और ये वाला होता है पैन के लिए। ये वाला जो हिस्सा है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये वाला जो है ये हिस्सा पैन के लिए है। मैं इसका लॉक खोल के दिखला देता हूँ, ये पैन हो गया इस समय, ये पैन का है। इसको मैं लॉक कर देता हूँ जिससे कि भागेगा नहीं, अभी बैलेंस नहीं है इसलिए ये इधर उधर जा रहा है। ये वाला जो है ये रोल के लिए होता है, तो यहाँ पे इसका लॉक है, इसको लॉक को मैं खोल देता हूँ। तो ये दोस्तों देखेगा ये रोल के लिए है, ये रोल का हिस्सा है रोल करने के लिए, तो इसको मैं बैलेंस। और ये दोस्तों ये वाला जो है ये टिल्ट के लिए होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले टिल्ट कैमरे को इस पर लगाते हैं, उसके बाद में हम तीनों जो एक्सिस है इसको बैलेंस करेंगे। ये वाला मैंने इस पर लगाना है यहाँ पर, तो दोस्तों ये यहाँ पर लग गया है। और अभी मैंने क्या है कि अभी ये लॉक है, तो अब जैसे मैंने लॉक हटा दिया इसका, तो अब ये डिसबैलेंस हो गया, तो इसको बैलेंस करना होता है। टिल्ट को हम बैलेंस करेंगे सबसे पहले यहाँ पर, ये नॉब दिया हुआ है यहाँ पर, इस नॉब के जरिए हम इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको आगे पीछे करके। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आगे पीछे करके हम इसको बैलेंस कर लेंगे। अब ये देखो ऐसे जा रहा है, ये भी बैलेंस नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा अभी आगे की तरफ जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करें या कनेक्ट करें, उसका जो स्क्रू है उसको टाइट कर लीजिएगा, टाइट नहीं होगा तो वो फिर उसकी वजह से दोबारा डिसबैलेंस हो जाएगा। मैं सारे स्क्रू अब देखेगा, यहाँ पर ये आगे की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको हल्का सा पीछे कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, यहाँ पर इसको रोका हुआ है, यहाँ पर रोका मैंने, यहाँ पर रोका हुआ है, इसका मतलब ये हमारा बैलेंस हो चुका है, क्योंकि जहाँ पर हम इसको रोकना चाहें वहाँ पर ये रुका हुआ है, ये उधर उधर नहीं भाग रहा है, ये चला गया, अभी रुक गया है, यहाँ पर ये बैलेंस हो चुका है। अब क्या किया, हमने टिल्ट एक्सिस को बैलेंस कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर रोल एक्सिस को बैलेंस करेंगे। रोल एक्सिस का मैंने ये लॉक हटा दिया है। रोल एक्सिस को मैं आपको बताऊं, रोल एक्सिस के लिए क्या है, रोल एक्सिस का ये वाला हिस्सा होता है, ये रोल एक्सिस है, तो इसके लिए क्या करना है, अभी मैं टिल्ट वाले फंक्शन का जो है उसको लॉक कर देता हूं। अब मैं रोल एक्सिस को होल्ड बैलेंस करना है, तो ये अभी इधर उधर भाग रहे हैं, तो यहाँ से ये नॉब है, इसको नॉब को ढीला करके कर ये इसको आगे पीछे करना होता है। देखिए दोस्तों ये बैलेंस हो चुका है, मैं जहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ वहाँ पर रुक रहा है, ये इधर उधर अपने पास से नहीं जा रहा है, यहाँ पर मैंने रोक दिया तो रुक गया। इस तरीके से इसको बैलेंस कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब क्या है कि मैंने टिल्ट भी बैलेंस कर लिया है, रोल भी बैलेंस कर लिया है, रोल को मैं लॉक कर देता हूँ, अब ये लॉक हो गया। अब क्या है कि अब हमें ये जो पैन वाला है हिस्सा, इसको पैन वाले एक्सिस को बैलेंस करना है, तो यहाँ से मैं इसको लॉक इसका खोल देता हूँ। और पैन वाले एक्सिस को लॉक करने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, हमें अपना गिम्बल को इस तरीके से रखना होता है। अभी क्या है, मैं तीनों जो लॉक हैं वो खोल देता हूँ। ये वाला जो है एक्सिस, ये वाला इस तरीके से आएगा,
देखिए दोस्तों, ये अभी भी नीचे जा रहा है, ये यहाँ पर रुकना चाहिए। तो इसको सही से बैलेंस करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बैलेंस हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इसको लॉक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये बैलेंस हो चुका है। बैलेंस होने के बाद में क्या करना है अब देखिएगा, ये अभी जो टिल्ट एक्सिस का है ये हमारा वापस घूम रहा है, तो टिल्ट को दोबारा से बैलेंस कर लेते हैं हम। रोल बैलेंस कर लिया हमने, ये हमारे टिल्ट का है, ये टिल्ट का अभी भी सही से नहीं बैलेंस हुआ है। ये हमने इसको इस तरीके से बैलेंस कराया दोस्तों। यहाँ पर पहले हम इसको कैमरे को ऊपर करके देख लेते हैं, ये हमारा प्रॉपर बैलेंस हो गया फ़िलहाल। अब ये कहीं नहीं जा रहा हमारा, यानी कि अब ये यहाँ पर रुका हुआ है। तो ये बैलेंस कर लिया हमने। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसको मैं इसका स्क्रू कस देता हूँ, और इसके बाद में अब हम जो है टिल्ट को बैलेंस करके देखेंगे। दोस्तों थोड़ा सा समय तो लगता है इसमें बैलेंस करने में, लेकिन अगर एक बार आपका बैलेंस हो जाए तो उसको फिर ध्यान से मैनुअली दोस्तों सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग लेंसेज के साथ में हमारे कैमरे का वेट भी अलग अलग हो जाता है, और गिम्बल का बैलेंस भी दोबारा से हमें एडजस्ट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये गिम्बल बैलेंस हो चुका है, एक बार फिर भी हम चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों अब ये हमारा बैलेंस हो चुका है, हमने नीचे रखा तब भी ये हमारा सही सामने दिखाई देगा अपने आप ही। तो दोस्तों ये गिम्बल हमारा बैलेंस हो चुका है, और इसको दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद में वही मैं रिपीट करूँगा, यहाँ पे बीच वाला जो रेड बटन है इसको मैं प्रेस करके रखूँगा, यहाँ पे इसकी सेटिंग खुल जाएगी। अंदर इसमें एडवांस में जा करके हम बैलेंस चेक में कर लेते हैं। थोड़ा सा समय लेता है ये बैलेंस चेक करने में। दोस्तों यहाँ पर ये हमारा सही दिखला रहा है, टीवी हमारा सब कुछ हमारा बैलेंस हो चुका है। बैलेंस होने के बाद में इसको मैं वापस एग्जिट पर चला जाता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ से हमारा टिल्ट हो जाता है, इसको हम ऐसे इस तरीके से घुमाएंगे तो टिल्ट हो जाएगा, और एक बार घुमा करके इसको घुमाएंगे तो ये हमारा रोल का काम करेगा। अगली बार हमने घुमाया तो अब ये सिर्फ पैन का काम करेगा। तो ये रोल हमारा इस तरीके से काम करता है, रोल का। और दोस्तों इस तरीके से हम बैलेंस कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर सेटिंग के लिए मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।